finally we are in Little India. अमूल की लस्सी पीनी है. चलो चलें देखते हैं क्या क्या है. अमरूद इतने अच्छे हैं ना. बैंगन इतने छोटे छोटे हैं ना. ये ऑर्गेनिक लग रहे हैं. आई डोंट नो पर भिंडी बहुत प्यारी है यहाँ पे. मैंने कभी आधा पाकिस्तान में ऐसे है ना आमले नहीं देखे. ओके ये फ्लावर शॉप है. कितनी खुशबू आ रही है ना. ये तो कितने अच्छे हैं ये वाले. स्मेल कितनी अच्छी है. ये क्या है गजरे हैं क्या. ये बालों को लगाने के लिए फॉर हेयर. अच्छा बालों के लिए. है कंप्लीट आपको यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स और वो नजर. बहुत मैं तो कह रही हूँ अमूल की कुल्फी ना खाएं. है ना. चलो अमूल की कुल्फी खाएं या फिर वो खाएं. ये देखो ये चिप्स भी है. बनाना चिप्स भी है. मौजम कोई छोटा छोटा पैकेट मिला ना तो फिर हम एक दो लें चीज़ें यहाँ से. मुझे लगता है एक ये लेते हैं. क्या हाल है. नहीं नहीं ये बहुत बड़ा है. अच्छा मिठाई भी पड़ी हुई है. या आगे चलें और फिर देखते हैं. अमूल की सारी प्रोडक्ट्स. यार आई थिंक आगे भी है. अभी इतने टाइम के बाद इंडियन गाने सुने बहुत मज़ा आ रहा है. मौसम यहाँ पर भी चप्पल लगी हुई है. नहीं अच्छा डॉलर तीन 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 की है. हाँ तीन ब्रेकअप सॉन्ग लग गया भाई. तुम तो ना इसलिए काली कर दोगे जो तुम्हारी हालत है. ये भी हार्ड है. कैसा है. मैंने कहा ना ये मुझे पता है. बहुत सारे मैंने देखा है टूरिस्ट को ना उन्होंने यही पहनी हुई है. आगे चलते हैं देख लेते हैं. बट मैं ये कह रही हूँ कि ये माइंड में रखो. अभी यहाँ से जाना अंदर. अरे कितना मज़ा आ रहा है ये, क्योंकि टेम्पल है ना इस साइड पे इसलिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं ना. ठीक है प्लांट है क्या. यहाँ पर हमें हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं प्रसाद और मौजम की ख्वाहिश पूरी हो गई है क्योंकि जब हम लोग आए थे मौजम कहते कि हो सकता है कि हमें कोई हमारे सब्सक्राइबर मिलते हैं. तो बहुत मज़ा आया. इन्होंने हमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं. मुझे आता है. आपको आता है. मुझे भी आता है. अच्छा मुझे लगा हिंदी नहीं आता. थैंक यू सो मच प्रसाद. नाइस थैंक यू मैम. चलो जी मौसम की ये ख्वाहिश पूरी हो गई. अभी हम जा रहे हैं टेंपल में जा रहे हैं. तो फाइनली वी आर इन लिटिल इंडिया और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर. वो देखें हमें नमस्ते कह रहे हैं. हम भी आपको नमस्ते कह रहे हैं. आनंद भवन उन्होंने बोला वेजिटेरियन. बहुत मज़े का खाना है. सो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और खाना खाएंगे. आई होप यहाँ पर मेरे कुछ साउथ इंडियन खाना भी मिले. मॉल भी बताया जहाँ पे. यार काफ़ी खूबसूरत है लिटिल इंडिया. नहीं बड़ा भी है और लिटिल है. हाँ मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है. काफी कलरफुल सा है. अच्छा यहाँ की जो स्ट्रीट्स है ना उनकी मुझे अट्रैक्शन ये भी बड़ी लगती है. कलरफुल बहुत ज्यादा होती है. इंडिया तो नहीं आ सके. लिटिल इंडिया ही सही. अच्छा उन्होंने बोला था इधर से लेफ्ट जाना है और टेंपल आ जाएगा. तो अभी देखते हैं टेम्पल. मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ पे है. नहीं है उधर. नहीं है यार ये ना मौसम ये वाली गलती हो जाती है. किसी से पूछ लो. एक मज़ा आ रहा है यहाँ पर ना. आप देखो यहाँ आप साड़ी में लोग नज़र आ रहे हैं. आप बता दें टेम्पल कहाँ पर है. टेम्पल इधर नज़दीक में है. बहुत सारी गोल्ड की शॉप्स भी नज़र आएंगी. इंडियन गोल्ड की शॉप्स. मुझे अच्छा लग रहा है. खरीदे मुझे खरीदे. इतने पैसे हैं तेरे ट्रिप के पैसे ख़त्म हो जाएंगे. मुझे ये वाला सेट पसंद आया. मुझे ये वाला राइट वाला जो है ना जो कलर मुझे बहुत अच्छा. शैम्पियन सा कलर है. नहीं तो नौ लखा रहना तू नहीं लेके दे सकता मुझे नौ लखा. ये हमें मिलता है किसी भी इंडियन शॉप के ऊपर ना ऐसे. हाँ सजाया जाता है. माला बाहर आ गया मौसम. ये भी आ मौसम घर होंगे क्या होगा. क्या नाम भी भूल गया. तमन्ना भाटिया. घर होंगे ऊपर क्या होगा. ओके
इंडियन ज्वेलरी आपको नज़र आ रही है गोल्ड की, ओ मुझे ना ऐसे सेट बहुत पसंद है यार। मैंने देखा बहुत सारे साउथ इंडियन लोग जो है ना, मतलब लेडीज़ अपनी शादी में पहनती हैं ऐसे बहुत। ओ माय गुडनेस, वो देखो डिटेल वर्क चेक करो मौसम। हाँ जी मैंने ये देखा ना इसलिए, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कंट्रास्ट देखो ग्रीन के साथ। मौसम ये हाथ से बनाया जाता होगा, बहुत प्यारा लग रहा है ना ये वाला टेम्पल मौसम। ये वाला टेम्पल की मैं बात कर रही थी, मुझे लग रहा है आरती हो रही है, आरती हो रही है। सो अभी हम लोग टेंपल के अंदर से होकर आए हैं, लेकिन वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम था कि हम लोग किसी साउथ इंडियन टेंपल में गए हैं, और अभी जो टाइम था वो आरती का टाइम था, आरती हो रही थी अंदर। अभी मौसम जो है चेक कर रहा है मेन्यू यार इनकी खाने, ये देखिए मुझे ऐसे खाना है, पूछ ले उनसे बटर पनीर है, भटूरा है, सब कुछ है यार। मौसम हम ये ना मंगवाएं एक, ये देखो ना अंदर चलते हैं। टू ओके सो मौसम चूज करेगा कि हम क्या खाएंगे यार, उसे पूछ ले ना सीधा सीधा जल्दी। सब लोग थाली में खा रहे हैं, हम लोग भी खा लेंगे उस तरह से। मुझे ना ये मंगवाना है, बनाना नहीं है, नाउ फिनिश टुडे नाउ बनाना नहीं है, फिनिश रेडी नहीं है, ओनली पेपर्स की। अच्छा मेरे लिए यार मैंने बनाना लीफ पे खाना है। सो फाइनली गाइस हमारे पास आ चुका है वड़ा विद, और मुझे बताओ मुझे हाँ ये कोकोनट चटनी है और ये सांभर है नहीं है। ये मुझे लग रहा है वैसे अच्छा नहीं, ये खुद को पता है इतना थकी है। इन्होंने मुझे पूछा क्या लूँ, मैंने जो मर्जी रहने बस भेज रहे हैं। चल बड़ा खा मुझे बता कैसा, मुझे लगता है अच्छा नहीं लगा ना। मजे क्या वो ना स्पाइसी चटनी में फिर कोकोनट चटनी कैसी है। तो भाई अभी हम खा रहे हैं नॉर्थ इंडियन थाली, मतलब रसगुल्ला भी बीच में, वैसे गुलाब जामुन है, समझ आया करो ना। ये बिरयानी है, ये पापड़ है यार, ऐसे अच्छी खासी है, मतलब दो लोग इसे बड़े आराम से खा सकते हैं, बट ये क्या है ये पता नहीं, ये क्या है, सूप है क्या लग रहा है। हाँ कॉर्न सूप लग रहा है मुझे, कैसी है मुझे स्पाइसी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। चलो हम खाते हैं और फिर इसको बताते हैं आज के बटर पनीर कैसा है। पनीर तो तुमने लगाया ही नहीं है, लग रहा मुझे पसंद नहीं आया ना। सही है नहीं उतना पसंद आया इसमें, ज्यादा डिफरेंट है, थोड़ा अच्छा। चलो मैं भी खाती हूँ, ठीक है। देखो बोतल पी के शांति मिली है, पता नहीं है ना, डिफरेंट है ना, है ना, मतलब अगर मैं भी बनाऊंगी ना हाँ। A few moments later. So, भाई हम लोगों ने खाना खाया आनंद भवन में, और हम लोगों ने मंगवाई थी एक नॉर्थ इंडियन थाली, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं हमें टेस्ट इतना मजे का नहीं लगा, सो हम लोगों ने काफी खाना छोड़ा। एंड पे, एंड पे जो है ना उसने खुद ही कह दिया कि ऑथेंटिक जो है ना वो टेस्ट वो आपको इंडिया में ही मिलेगा, यहाँ पर जो वो लोगों के हिसाब से सेट किया होता है। और दूसरा ये कि जो वड़ा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कोकोनट की चटनी भी मुझे अच्छी लगी, और उसके साथ साथ अनियन की थी वो, मुझे टमाटर की लग रही थी शायद, लेकिन टमाटर वाला टेस्ट नहीं था। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं मौसम, यहाँ से कोको कोला पकड़ूंगा मैं अपने लिए। मौसम तो बहुत शदीद वाली, एक तलब हो रही है भाई, तलब हो रही है क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट बोतल है ना। अच्छा स्प्राइट कैसी थी, स्प्राइट स्प्राइट बहुत मजे की, हम जा रहे हैं साड़ी पूछो लगी है। नहीं नहीं इंडिया से आगे ले लूँ मिलेगी।
वहाँ से भी, पर वहाँ से जरा मुझे सस्ती मिल जाएगी और वही ना, ऑथेंटिक का मतलब यही है, सस्ती वहाँ से मिलेगी, यहाँ पर मुझे थोड़ी महंगी मिलेगी। बट मुझे लगता है जब आप यही बजा दो ना, स्पेशली अपने शहर से बाहर, अपने घर से बाहर, खाना आपके टेस्ट के मुताबिक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेज हो गया यार, इतने प्यारे हैं ना, ये क्या है, ये गजरे लग रहे हैं भाई। हम लोगों ने अपने पैरों को नई जिंदगी दी है, अल्लाह की कसम, इतना सुकून मिल रहा है। मैंने ये वाले कलर के लिए, मेरे नेल पेंट्स का मत जाना, नेल पेंट्स जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। सो भाई हमने लिया है हल्दीराम की एक काजू, सॉल्टेड काजू लिया है, बहुत मज़े का है। अमूल अमूल कुल्फी मैंने भी देखी थी इधर, नहीं नहीं उधर होगी आगे, कुछ के आगे पड़ी हुई कुल्फी। हाँ नहीं मोदन, ये क्या थे, ये बैंगन है, कचनार हरी होती है, ये भी बैंगन है, ये ज्यादा ऑर्गेनिक है। बहुत मजा आ रहा है मुझे अब तो, क्योंकि देखें मुझे ये चीजें पकड़ा के ना वीडियो बनवा रही है, तो मैं ही तुम्हारी वाले बनाती जा रही हूँ। आपकी बोतल गए, मुझे ये काजू खाने का मजा आ रहा है। हां काजू मुझे देखा है। पहले तो गाड़ियां दिखाएं ना, हाँ। ये प्रियस खड़ी हुई है, अच्छा ये पता नहीं कौन सी है, लेकिन हुंडई कंपनी की है, अच्छा वो आगे मेरा कैमरे है शायद, पता नहीं ना, ये सारी वो गाड़ियां जो पाकिस्तान की एलीट के पास होती है और यहाँ पर टैक्सियां घूम रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ, हकीकत बता रहे हो, ये गाड़ियां कितनी महंगी है। हम लोग बुगी स्ट्रीट आए हैं और पी एस टू जो हमने देखनी है मौजा, पी एस टू फिल्म देखनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं हम देख पाएंगे ऑब्वियसली। बताना चाहूंगी, आप दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ, जितने मर्जी आप एडवांस हो जाओ, सिविलाइज हो जाओ, लेकिन इंडिया देसी नहीं, हमारी नहीं, बाकी उनके जो कुछ सिटीजन है उनको भी देखो, उनको देखे तो हम भाग रहे थे। हाँ वही है, नहीं वैसे अपना जो देसी स्वैग है ना, उसका एक अपना मजा है। अभी हम मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो भाई पीना चाहोगे मौसम, मैं तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहूंगी, ज्यादा ठंड ना पड़ जाए। ओके जी अब देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है इस मार्केट में। इतने अच्छे कवर्स है ना, मुझे भी अच्छे लगे, ये देखो ये वाइट वाला अच्छा है, $18 में का है। इंडोर वाटरफॉल देखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास 5 मिनट हैं, या अल्लाह ताला जी प्लीज़ हम देख पाएँ। ये बिल्कुल हमारे सामने पहुंच तो गए हैं, लेकिन वाटरफॉल ये ना वो टाइम से बंद कर दें। सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने ट्रैवल लेटर इतने ज़्यादा रखे हुए ना कि थोड़ा जल्दी जल्दी आप पहुंच जाते हो भाई, बट बहुत बहुत वेल, हाँ पानी की आवाज़ आ रही है, बट मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड सिटी है ये। फाइनली तुमको देखने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, मतलब हम जल्दी से पिक्चर्स ले ले इससे पहले ही बंद हो जाए। वो इधर से नीचे जाना है, ऊपर से देखते ना वहां से, उधर नीचे से ज्यादा मजा आएगा। अच्छा चलो ठीक है, नीचे नहीं नहीं यार, ये कहाँ चले गए, तुमने कहाँ पर लगाया, तुमने लगाया, बहुत खूबसूरत ये है। ठीक है जब सुबह में हम लोग आए थे तब तो लाइट्स वगैरह ऑन नहीं थी, लेकिन अभी लाइट्स सारी ऑन, वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना, जबरदस्त भाई, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है ये, लाइटिंग चेक करें आप।
यहाँ से हम लोगों ने अब मेट्रो लेनी है मरीना बे के लिए। बीच में छूट रहा है हमारे गार्डन बाय द बे। हमारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है, पैरों ने जवाब दे दिया हुआ है और टाइम भी नहीं है। अदरवाइज 12 बजे मेट्रो बंद हो जाती है। हाँ, और जो हमारे पास कार्ड है वो भी सिर्फ 12 बजे तक का है, मतलब मिड नाइट का हम लोगों ने लिया हुआ था। उसके बाद मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट के लिए, मतलब आप ये देखो कि चीज़ें हैं, आई मीन ज़्यादातर कनेक्टिविटी की मैं बात करूँगी, इतनी कमाल की है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और इतना अच्छा सिस्टम है, मतलब कनेक्टिविटी का एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी पूरे सिंगापुर में आपको इतने अच्छे से कनेक्ट करती है, मज़ा आ गया। चाहे हमारे पास टाइम इतना कम था, अगर ये कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती ना तो सच में हम लोग इतना घूम नहीं सकते। सिंगापुर कमाल का कंट्री है और वाकई में जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम सब कुछ इतना ज़बरदस्त है। हमारी ट्रेन आ गई है, उसने कहा था ना 10, तूने भी नहीं माना था। वो कहना लेते हैं आई नहीं रही थी। तो बिगाड़ ही लगे हुए भाई। एक ये वाला बस रूट है जो हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बाकी तो हम बहुत इजीली हर जगह पर ट्रैवल किए हैं। और मजे की चीज ये है, धोबी घाट जिसे हम बोलते हैं धोबी घाट, वो यहाँ पर ही है। मतलब वहाँ पर क्या कपड़े धोते होंगे, चल आ गई है भाई। अब ये हमारा लास्ट स्टेशन होने वाला, मतलब जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग होटल वापस आ जाएंगे। ओ, सारी खाली है इस साइड से भी और ऑलमोस्ट इस साइड से भी। डेडिकेशन होनी चाहिए, गिव अप जल्दी नहीं करना चाहिए। हाँ, एंड तक देखना चाहिए और देख लो एंड में हमें कितना फायदा हो रहा है। वाह, 4 सेकंड है। ये है मरीना बे, ये है इसके ऊपर, ये होटल है। वाह भाई, बहुत ही खूबसूरत स्काईलाइन है। आई मीन रियल में आपको लग रहा होता है जैसे पता नहीं आपको ही किस जगह पर आ गए, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। स्टोर, रात के टाइम क्या शानदार व्यू इसका आ रहा है। पहले तो हम लोगों को टाइम नहीं मिला दिन में यहाँ पर आने का, बट ये कि भाई बहुत खूबसूरत स्काई लाइन है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे लगता है कि दिन के टाइम इसकी अपनी खूबसूरती और रात को तो अलग ही लेवल है खूबसूरती की, है ना मौसम। और इतना प्यारा बना हुआ है और ये मॉल बहुत बड़ा है। पेड़, अच्छा नीचे से जाने का रास्ता है ऐसे। रात के 12 बज रहे हैं और ये लोग अभी भी रूल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री को बहुत बेहतर बनाती हैं। सब गाड़ियां खड़ी थीं, हालांकि इधर उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, है ना। शुक्र है ग्रीन है, ग्रीन, थैंक गॉड।